हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन आई वेलकम यू ऑल एडूवर्स न्यूज एनालिसिस टूडेज फिफ्थ जुलाई 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर सो लेट्स सी व्हाट इम्पोर्टेंट न्यूज वी गॉट टू डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर पी डी टेलीग्राम चैनल एडूवर्स न्यूज एनालिसिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर कवर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या-क्या डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट कॉल्स फॉर मल्टीपोला वर्ल्ड ऑर्डर एज ईरान ज्वाइंट ग्रुपिंग अब आप सभी को पता है कल चार जुलाई थी और चार जुलाई को हमारे यहां पर एससीओ की वर्चुअल समिट होती है जिसमें कि आपके जो वेरियस लीडर्स होते हैं रशिया पाकिस्तान चाइना तो उन्होंने क्या किया था इस वर्चुअल मीटिंग को ज्वाइन किया था अब इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो कुछ पॉइंट्स इसमें जो आपको यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्या क्या पहली बात उन्होंने ये कहा है कि हमें एस सी ने कहा डिजिटल पेमेंट के लिए हमें कॉपरेशन करना होगा मतलब एस के आपके जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके जितने भी मेम्बर्स हैं वो क्या करेंगे एक डिजिटल पेमेंट में यहाँ पर कॉपरेशन किया जाएगा ओके फिर यहाँ पर बात की गई किसकी कि हमें जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है नेशंस में मेंबर uh, स्टेट्स में उसे हमें क्या करना होगा काउंटर करना होगा सेकंड इसमें थर्ड इसमें क्या बात की गई पहली तो डिजिटल पेमेंट हो गई दूसरी यहां पर रेडिकलाइजेशन को काउंटर करना है थर्ड यहां पर जो तो चाइना का बी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोज रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है इसको इंडिया के द्वारा क्या किया गया है uh, इसके अपोज किया गया है ओके okay? इंडिया क्या है इसके अपोज में क्यों क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू आप सभी को पता है चाइना क्या करता है जो कंट्रीज होती हैं वहां इन्वेस्टमेंट करता है और उनको बहुत सारा डेट भी प्रोवाइड करता है है ना पैसा प्रोवाइड करता है लोन प्रोवाइड करता है अब कंट्री एक ऐसे सिचुएशन में आ जाती हैं जब वो लोन को वहाँ पर क्या होती है नहीं भर पाती हैं मतलब जो लोन होता है उसको पूरा पेमेंट नहीं कर पाती हैं इस तरीके से फिर आ, वो क्या होता है कि चाइना वो जो कंट्रीज होता है उनको डेट uh, क्राइसिस में फंसा देता है आप इस इग्जाम्पल uh, ले सकते हैं श्रीलंका का यहाँ पे सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका श्रीलंका का तो आपका जो बी आर आई प्रोजेक्ट है एक तरीके से वो क्या है इंडिया को इंसर्कल करने के लिए है आप देख रहे हैं ये बी आर आई प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चल रहे हैं श्रीलंका में चल रहा है आपका पाकिस्तान में चल रहा है बांग्लादेश में इसके साथ मीटिंग्स हुई हैं इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है आपका नेपाल में है बांग्लादेश में तो एक तरीके से चाइना क्या कर रहा है इंडिया को इंसर्कल कर रहा है तो यहां पर इंडिया ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको पूरी तरीके से क्या किया है अपोज किया है उसके अगेंस्ट में इन, आप देखेंगे स्टेटमेंट दी है आप देखेंगे सीपेक प्रोजेक्ट चाइना का जो चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको भी इंडिया ने क्या किया है अपोज किया है क्यों क्योंकि ये कहा से स्टार्ट हो रहा है इसका कंस्ट्रक्शन से हो रहा है पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से लेकर ग्वादार पोर्ट तक ये क्या हो रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि आपकी वेरियस रोड का हाईवेज का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा गैस पाइपलाइंस का कंस्ट्रक्शन होगा रेलवेज का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो एक तरीके से क्या है चाइना को ये क्या पहुंचाएगा कि वो क्या कर सकते हैं अपना जो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको और ज्यादा इन्हेंस कर सकते हैं तो इंडिया ने इसका भी क्या किया है अपोज किया है और इस एस समिट में और किसके बारे में बात की गई टेररिज्म के बारे में बात की गई है कि हमें टेररिज्म क्या है पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान क्या है बहुत ही अच्छा सेफ प्लेस है किसके लिए टेररिज्म है तो जब तक पाकिस्तान के साथ टेररिज्म वाला जो इशू है ये खत्म नहीं होता तब तक इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो यहाँ पर अच्छे नहीं हो सकते सॉरी इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन ओके तो यहाँ पर देखिए चीजें आपके निकल कर आती है, बेल्ट रोड यहां पर इसके में है आपका इंडिया आप सभी को पता है नेक्स्ट है? ने बात की है कि हम क्या करेंगे जो एससी के मेंबर्स है वो डिजिटल पेमेंट पर यहाँ पर बात की है कि हम क्या करेंगे डिजिटली पेमेंट पर कॉपरेशन किया जाएगा ओके क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि आजकल जो इंडिया एंड चाइना जब से यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पर रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैक्शन लग चुके हैं ठीक है और डॉलर को भी हमें क्या करना है एक तरीके से वो इंटरनेशनल पेमेंट के बेस पर है तो हमें डॉलर को सरगम वेन करना है उसको मतलब उसको कम करना है इसलिए हम जो हमारे मेंबर्स हैं या तो रशिया या फिर चाइनीज में करेंसीज में यहाँ पे क्या किया जाएगा आपका पेमेंट किया जाएगा और रेडिकलाइजेशन को यहाँ पे क्या करना है आपको काउंटर करना है अब देखिए जो एस है इसमें ईरान ने अभी से ज्वाइन किया है पहले ये पूरी प्रोसेस चल रही थी कि ईरान क्या करेगा एससीओ को ज्वाइन करेगा बट अभी ये जो प्रोसेस है जो सबमिट हुई है इस साल की उसमें एससीओ को क्या कर लिया गया है मेंबर बना लिया गया है आपको सॉरी ईरान को एससीओ का मेंबर यहां पर बना लिया गया है, okay? ओके तो अब हम एस सीओ के बारे में देख लेते हैं आपका क्या ये संघ्राई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन ये 2001 में क्रिएट किया गया था ओके okay. uh, इसका चार्टर जो है 2002 में साइन हुआ था और फोर्थ जब कब होता है आपका 2003 में होता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आप देख सकते हैं स्ट्रेंथिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट प्रोमोटिंग इफेक्टिव कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स ट्रेड इकोनमी रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड कल्चर अब देखिए एस हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए एस के अगर हम मेंबर्स देखेंगे अब प्रेजेंट में टोटल इसमें नाइन मेंबर्स हैं कौन कौन चाइना इंडिया कजाकिस्तान क्रजिकस्तान रशिया पाकिस्तान ताजाकिस्तान उज्बेकिस्तान एंड ईरान एस आपका एक ऐसा मेंबर है मतलब की ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप चाइना के साथ भी इंगेज होते हैं यहां पर आप पाकिस्तान के साथ भी इंगेज होते हैं और यहां आप रशिया के साथ भी इंगेज होते हैं ठीक है क्योंकि अगर आप देखेंगे एस के अलावा कोई अगर आप ऐसा कोई भी आपका समिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर आपका किसके साथ पाकिस्तान की इंगेजमेंट हो रही हो चाइना के साथ डायरेक्टली आप एंगेजमेंट हो रही हो ठीक है तो एस एक ऐसा मेंबर आपका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है जहां पर चाइना पाकिस्तान और रशिया के साथ तीनों के साथ आपके क्या हो रही हो एक साथ एंगेजमेंट हो रही हूं आपके देखिए अब आप चाइना के साथ देखते हैं तो आम, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट और टेरिज्म वाला इशू चल रहा है और रशिया का अगर हम देखते हैं तो रशिया किसके अगेंस्ट में यूएस के अगेंस्ट में है, वो सब क्या करना चाहता है कि यूएस के अगेंस्ट में सेंटीमेंट्स को जनरेट करना चाहता है तो यहां पर इंडिया के लिए क्या आ जाता है कि इंडिया कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आए जिसके साथ वो इन सारी कंट्रीज के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ वो डील कर सके ओके तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ से बढ़ने से पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ इंडियन कोल यहाँ पर हमें इंडियन कोल cool के कैरेक्टर स्ट्रिक्स को बताना था यहाँ पर आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं। पहला है हाई कंटेंट क्या हमारा इंडियन कोल जो होता है उसमें हाई एश कंटेंट होता है नेक्स्ट है लो सल्फेट कंटेंट क्या हमारा इंडियन कोल में लो सल्फेट होता है थर्ड इज लो एश फ्यूजन टेम्परेचर जब इसको मतलब कि एश में कन्वर्ट करना होता है इंडियन कोल को तो इसका जो टेम्परेचर होता है क्या वो लो लगता है तो आप सभी को यहाँ पर बताना है वीडियो को पॉज करना है और इसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और कॉमेंट सेक्शन में सभी को यहाँ पर आंसर करना है ओके okay, तो मैं उम्मीद करती हूं यहां पर सभी ने आंसर किया होगा तो आपका राइट right ऑप्शन क्या है राइट uh, ऑप्शन right है आपका ऑप्शन ए ठीक है देखिए हमारा जो इंडियन कोल होता है उसमें हाई एश कंटेंट होता है और उसमें जो सल्फर का अमाउंट होता है वो भी कैसा होता है लो होता है फ्यूजन की बात करते हैं फ्यूजन में जो टेम्परेचर लगता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है लो नहीं होता है ओके okay, आप यहां पर देखेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस का यहां पे फ्यूजन के लिए टेम्परेचर लगता है इसलिए यहां पर जो इंडियन कोल को फ्यूज करने के लिए आपको 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए ठीक है तो यहां पर आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है इसलिए आपका राइट right ऑप्शन होता है ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट कुड बी द मेन रीजन एंड रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट यहाँ पर जो आपका अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट है उसका फॉर्म होने का रीजन मेन रीजन क्या है आपको ये बताना है

क्या स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है या फिर एक स्टेटमेंट आपकी सही है या फिर सेकेंड स्टेटमेंट सही है तो आपको यह बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कॉमेंट सेक्शन में आप सभी को इसका आंसर करना है इसका आंसर आपको कल मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है तो आपको ये बताना है कि गदर क्या था तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेड क्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को क्या ये रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियन का कहां पर सैन फ्रांसिस्को हेड क्वार्टर में नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर क्या यह एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो सिंगापुर से ऑपरेट कर रहा था मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेड क्वार्टर एट बर्लिन क्या ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो इसका जो हेड क्वार्टर था आपका बर्लिन में था कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम विद हेडक्वार्टर

ठीक है तो ये सिर्फ कनाडा में ही नहीं कनाडा में भी चल रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है यूके में भी हम देख रहे हैं यूएस में भी देख रहे हैं तो यहां पर आपका क्या निकल के आता है टॉपिक क्या निकल कर आता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ये आपका मेन टॉपिक निकल कर आता है ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये कंट्रीज है यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को क्या किया जा रहा है जनरेट किया जा रहा है इससे क्या होता है कि उस नेशन के साथ हमारे जो रिलेशन होते हैं वो खराब होते हैं डेट्योरेट होते हैं क्योंकि वो आपके लैंड में जैसे कि फॉरन लैंड में यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जनरेट किया जा रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है? अब अगर वहां के जो हमारे एम्बेसडर्स हैं जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट में भी क्या होते हैं कई बार एक्शंस लिए जाते हैं उनके ऊपर भी जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है आप कनाडा की के हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी आपका खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी उनका पूरी एक झाकी तरीके से निकाली गई थी है ना तो उनका जो मतलब उनका जो एसोसिएशन था उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था तो अगर इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं तो इससे क्या होता है आपकी जो टेरिटरी है वहाँ पे जो एंटी नेशन सेंटीमेंट्स होते हैं वो जनरेट होते हैं जिसके कारण हमारे रिलेशन उस कंट्री के साथ खराब होते हैं अगर ऐसा कोई मूवमेंट हमारी इंडिया की टेरिटरी में हो फॉर एग्जाम्पल हम यूएस का एग्जाम्पल लेता है यूएस का कोई भी हम इंडिया में जनरेट करते हैं यूएस सेंटीमेंट एंटी यूएस सेंटीमेंट्स को हम जनरेट करते हैं तो यूएस क्या करता है तुरंत एक्शन लेता है जो यहां पर डिप्लोमेंट्स है एम्बेसडर्स इंडिया में डिप्लॉय है यूएस के तो वो डायरेक्टली यहां पे एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं और जल्द से जल्द उस चीज को कब करने की कोशिश करते हैं बट इसमें क्या है देखिए एक तरीके से और इवन जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनसे भी यहां पर क्वेश्चन किया जाता है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है आप इसे जल्द से जल्द रोकिए बट हम क्या देख रहे हैं कि कैनेडा में ऐसी सारी चीजें चल रही यूके में भी हमने देखा बट वहां पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा है ठीक okay, तो हाँ है पे ट्रिब्यूट टू अलोरी सीतारमन राजू आप लोगों ने यहाँ पे आर 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 मूवी तो देखी ही होगी ठीक है तो आर आर मूवी में जो यहाँ पे सीतारमन जी थे उन्होंने जो आ, मतलब रोल निभाया था वो इन्हीं का निभाया था एलूरी सीतारामन राजू का अब ये कौन है एक आपके ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये आपके ट्राइबल वॉरियर है क्या है ट्राइबल वॉरियर है अब इनके बारे में हम देख लेते हैं इनकी यहाँ पे वन एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है इससे पहले वन जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था तो इनका एक स्टैचू आंध्र प्रदेश में इसको क्या आ, उसका इनोग्रेशन किया गया था अब इनके बारे में हम देख लेते हैं तो देखिए ही वॉज अ इंडियन रेवोल्यूशनरी इन्वॉल्व इन द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट इनका जो बॉर्न है ही वॉज बॉर्न इन अ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश in 1897 और एटीन नाइन एट इनका जो बर्थ है उसमें मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है डेट में कि ईयर में कि है या फिर एटीन नाइनटी एट बट अगर आप पी आई बी वगैरह से जो गवर्नमेंट के आपके डॉक्यूमेंट्स है उनसे उठाकर देखेंगे तो उसमें एटीन नाइनटी सेवन ही आपका लिखा गया ठीक है ही बिकेम अ सन्यासी एट द एज ऑफ एटीन एंड गेन अ मिस्टिकल ऑरा अमंग द हिल एंड ट्राइबल पीपल्स विद हिज ऑस्टिस ऑस्टेरिटी नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेडिसिन एंड हिज एबिलिटी टू टेम वाइल्ड एनिमल्स तो इन्होंने क्या किया था जब ये 18 साल के थे तो ये सन्यासी बन गए थे और वो सन्यासी बनने के बाद फिर एक तरीके से इनका जो एक ऑरा होता है ना मिस्ट्रिकल ऑरा, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा सन्यासी वगैरा बन जाता है और उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है किसी चीज के बारे में तो उसका एक पावरफुल और क्रिएट हो जाता है जिसके कारण जो ट्राइबल पीपल्स उसको बहुं, इनको बहुत ज्यादा मानते थे इनको, इनके पास एस्ट्रोलॉजी का मेडिसिन का और जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको टाइम करने का बहुत अच्छी इनके पास एबिलिटी थी और नॉलेज थी अब इसकी बात करते हैं तो बॉर्न प्रेजेंट डे बिकेम इन्वॉल्व इन एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी इन रिस्पॉन्सू दी एटीन एटी टू मद्रास फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पर जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है एटीन एटी टू में एक मद्रास फॉरेस्ट एक्ट एक्ट लेकर आती है जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है जो आदिवासी होते हैं आपके ट्राइबल कम्युनिटीज होती है उनको यहाँ पर फ्री मूवमेंट पर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगता है इसी के चलते ये क्या करते हैं उसके अगेंस्ट में आते हैं है ना और यहां पर प्रोटेस्ट भी किया जाता है इनिशियली सीतारमन राजू अंडर द इन्फ्लुस ऑफ गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंस्पायर्ड दी ट्राइबल टू जस्टिस टू लोकल पंचायत कोर्ट एंड कोलोनियन कोर्ट्स अब ये भी सीतारमन जो राजू थे वो uh, गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उससे बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुन्स थे आ, और उन्होंने जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको भी क्या किया इंस्पायर किया कि, किया कि, कि आप जो तो लोकल पंचायत कोर्ट्स है वहां पर जस्टिस के लिए जाइए ना कि कोलोनियल कोर्ट्स में जो आपके कोलोनियल कोर्ट थे वहां पर उन्होंने उसको बॉयकेट किया पूरी तरीके से फिर उसके बाद इन्होंने जो रंपा

ओके okay, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी इंसरेडेड अलूरी सीतारामन राजू से आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं ये धनुष के साथ इनकी एक पिक्चर होती है चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्यू ऑफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट अब यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट अब फिज़िकल डेफिशिट क्या होता है उसके बारे में पहले देखते हैं फिजिकल डेफिशिट होता है कि जो गवर्नमेंट होता है यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है एक्सपेंड भी करना पड़ता है खर्चा भी करना पड़ता है और उसके लिए पैसा रेवेन्यू जनरेट भी करना पड़ता है बट जो हमारा रेवेन्यू है एक्सपेंडिचर जब हमारा ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता है कम होता है तो इस केस को मतलब ये जब सिचुएशन ऐसी सिचुएशन आती है उसे हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या कहते हैं इसको हम फिजिकल डेफिशिट इसे कहा जाता है ठीक है अब ये जो डेफिशिट है इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है लोन लेती है बोरोस करती है हमारी है ना कि हम लोन ले रहे हैं बोरो कर रहे हैं जिससे कि ये जो हमारा फॉर एग्जाम्पल की हमारा जो आ, पैसा जो रेवेन्यू है सैलरी हमारी आ रही हो दो हजार रूपये और हम जो एक्सपेंड है वो कितना कर रहे हैं तीन हजार रूपये तो ये जो एक हजार रूपये का आपका गैप आ रहा है वो कह, कहां से आप इसको फुलफिल करेंगे आप किसी से उधार लेंगे लोन लेंगे कि आप हमें इतने टाइम के लिए दे दीजिए उसके बाद हम इसको बाद में आपको दे देंगे तो ये क्या होता है एक तरीके से फिजिकल डेफिशिट हम इसी को कहते हैं जो आपका एक हजार रूपये आया ना इसे हम फिजिकल डेफिशिट कहते हैं ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए अब देखिये स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी क्या करती है लोन लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है आपकी लोन लेती है बट अब इसमें किसकी बात की जा रही है फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स यहां पर जो स्टेट्स की फिजिकल हेल्थ है वो धीरे धीरे क्या हो रही डेमेज होती हुई मतलब कि खराब होती हुई हमें नजर आ रही है कैसे कि कोविड नाइनटीन के बाद से आप देखेंगे कोविड नाइनटीन ने सबसे पहले इफेक्ट किया उसके बाद हम देखते हैं कि कोविड नाइनटीन के बाद आपका क्या होता है कि जो फ्री बीज का कॉन्सेप्ट है फ्री बीज आप पहले यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि देखिए फिजिकल कंसोलिडेशन इज सिग्निफिकेंस इन मेनी वेज इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कंसोलिडेशन करना होगा ओके फिजिकल कंसोलिडेशन अब पहले ये बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो फर्स्ट स्टेट इज एग्रीगेट मैनेज टू बी फिजिकली प्रूडेंट डिस्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रेक्शन इन रेवेन्यूज इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन के टाइम पे रेवेन्यूज का जो कलेक्शन होता है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठीक है सेकंड हम बात करते हैं कोविड नाइनटीन के टाइम पर हेल्थ यहाँ पे स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है लाइवलीहुड पर जो इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ पर लेकर आए जाते हैं और जो हेल्थ सेक्टर है वहां पर हमने बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करी है ठीक है तो वो हो गया थर्ड इसमें बात की जा रही है कि यहाँ पे जो फिजिकल डेफिशिएट है वो कैसा बना आपका जो एक्सपेंडिचर साइड है एडजस्टमेंट यहाँ पे गुड एंड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाया उसने भी क्या किया यहाँ पर एक तरीके से डेट्रॉय किया फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री बीज की फ्री बीज का भी एक आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्री बीज क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इलेक्शन से पहले बहुत सारे जो प्रोमिस कर देती हैं कि हम आपको ये फ्री देंगे आपका जो लोन है फार्मर्स का उसको हम माफ कर देंगे तो ये फ्री तो अल्टीमेटली आप ये माफ कर रहे हैं ये सारी चीजें दे रहे हैं तो वो पैसा तो कहीं ना कहीं से लग रहा है ना आपका पैसा तो जा रहा है तो वो ये फ्री बीज का कॉन्सेप्ट है जिसके कारण भी क्या हो रहा है जो स्टेट की फिजिकल हेल्थ है वो डिटोरेट हो रही है अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा आपका एक एक्ट आया था कि हम किस तरीके से जो स्टेट की फिजिकल हेल्थ है उसको मतलब मेंटेन करके रख सके तो उसके लिए आपका एक एक्ट आता है टू में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आप सभी को याद होगा एफ आरबीएम ये एक्ट 2003 में आता है जो कि क्या करता है एक तरीके से इनफाइनल टाइम मतलब कि आप जो कोई भी स्टेट है वो कब तक लोन ले सकती है इसमें थोड़ा लिमिट लगाया गया था कि स्टेट ज्यादा यहाँ पर लोन ना ले जिसके कारण जो स्टेट का फिजिकल आपका है वो यहां पर इंक्रीज ना हो अब देखिए यहाँ पर पूरा डेटा बताया गया कि कुछ जो स्टेट्स हैं वो फिजिकल चैलेंज से यहाँ पे डील कर रहे हैं आपकी यहाँ पर ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट आती है वो आइडेंटिफाई करती है तीन वनलेबल स्टेट्स हैं केरला पंजाब एंड वेस्ट बंगाल एज अ फिजिकली स्ट्रेट स्टेट मतलब यहाँ पर ये यह फिजिकली क्या कर रहे हैं इन इनपे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बट यहां पर आपकी जो रिसेंट आपकी फिजिकल फाइनेंस uh, कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें ये बताया जा रहा है कि अब ये नंबर जो है इंक्रीज हो गया पहले आपकी तीन स्टेट्स है जो फिजिकली यहां पे स्ट्रेस थे अब यहाँ पर आपके सेवन स्टेट्स हो चुके हैं जो यहाँ पर जो रेवेन्यू डेफिशिएट है उससे पर क्या कर रहे हैं डील कर रहे हैं उसको मेजर कर रहे हैं तो देखिए पहले कौन कौन से अगर हम फिजिकल डिफिशिट की बात करते हैं आपके डेटा आपको दिया गया है कि, कि किस स्टेट में कितना यहाँ पर डेफिशिट है आंध्र प्रदेश में फोर्टी नाइन हरियाणा में फिफ्टी पॉइंट नाइन केरल में सिक्सटी पंजाब में 70.7 राजस्थान में 39.7 तमिलनाडु में 40.8 और वेस्ट बंगाल में 47 परसेंट द ऑल स्टेट शेयर ऑफ रेवेन्यू deficit and फिजिकल deficit फॉर द सेम ईयर एक्सपेक्टेड टू बी ट्वेंटी सेवन परसेंट तो यहां पर मतलब इंडियन ओवरऑल आप अगर फिजिकल डेफिशिएट देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट का तो उसमें से ट्वेंटी सेवन जो डेफिशिएट है वो किसका आपका जनरेट हो रहा है थ्रू स्टेट के थ्रू ओके तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने होंगे जिससे कि हम क्या कर सकें जो ये रेवेन्यू डेफिशिएट है उसको हम इसमें रिडक्शन ला सके तो इसमें सिर्फ इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था ज्यादा कुछ भी नहीं था नेक्स्ट मूव करते हैं एंटीबायोटिक विध प्रोम लाइफ लाइन इंडिया अबेट्स अब इसमें एक एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की जा रही है आजकल आप देख रहे हैं यहां पर हमारी बॉडी में जो आप एंटीबायोटिक्स uh, का हम यूज करते हैं हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है रेजिस्टेंस की एंटीबायोटिक uh, रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम इसे कहते हैं ए बी आर ये क्या होता है जैसे कि आपको कोई भी डिसीज है आपको फीवर आ रहा है ठीक है अब ये रेजिस्टेंस क्रिएट क्या कैसे होता है इसके बारे में पहले हम पूरी हिस्ट्री देखते हैं हिस्ट्री में जाएंगे अगर आपको फीवर आ रहा है आप क्या गए मेडिकल हम जनरली क्या करते हैं अगर आपको नॉर्मल फीवर आते हैं तो हम मेडिकल के पास जाते हैं केमिस्ट के पास जाते हैं और उससे एक दो जो टैबलेट होती हैं और वो एंटीबायोटिक्स के साथ क्या कर देते हैं उस टेबलेट को हमें दे देते हैं अब इसका क्या होता है कोई भी आपको डिसीज होती है कोई भी सिकनेस होती है तो उसका एक पूरा टाइम पीरियड होता है कोर्स होता है कि वो चीज इतने टाइम तक चलनी चाहिए बट हम क्या करते हैं कि हमें अगर फीवर आया कुछ भी नॉर्मल सी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं फीवर आया हम गए केमिस्ट के पास उन्होंने एक टैबलेट दे दी दो टैबलेट दे दी और एक उसके साथ एंटीबायोटिक दे दी हमने क्या किया एक टैबलेट ली और एक एंटीबायोटिक ले लिया और हमने पूरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया कि हमें दो दिन लेना है तीन दिन लेना है मैक्सिमम तो ये आपका तीन दिन चल, चलता है अभी आपका जो पूरा कोर्स ही जो पूरा लेना था आपने उसको नहीं लिया आपको आपने एक बार टेबलेट लिया आप यहाँ पर ठीक हो गए तो आपने उसको छोड़ दिया कि ठीक है अब इसे हमने नहीं लेना है तो धीरे धीरे क्या होता है इससे आपकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ये जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना तो इसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंट क्रिएट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है अब जब हमें दोबारा फीवर होगा है ना जब दोबारा फीवर होगा वो सेम यहाँ पे पैथोजन हमारी बॉडी में उसने एंटर किया हमने फिर से टैबलेट ली तो धीरे धीरे जो एंटीबायोटिक्स हैं है ना जो हम ये ले रहे थे क्योंकि हमने इसका कोर्स पूरा नहीं किया था इसके अगेंस्ट में जो पैथोजेंस क्या होते हैं एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि अगर अब वो एंटीबायोटिक आएगी तो उसका कोई भी असर हमारी बॉडी पर मतलब पैथोजेंस पर नहीं होगा इसे ही हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी के कारण आप देख रहे होंगे लाखों लोगों की अब जान जा रही है क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी जो लाइफ है वो यहाँ पे डेंजर में है ओके okay? अब यहाँ पर आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एक इसमें केस मतलब केस स्टडी के रूप में इसको आप देख, देख सकते हैं किसमें क्या हुआ की इन एन इंटेंसिव केयर रूम ऑफ अ लीडिंग हॉस्पिटल इन हैदराबाद हैदराबादी ईयर ओल्ड पेशेंट डिलीवरी फॉर नॉट ओनली हिज एग्रेसिव टी सेल्स डेक्यूमना बट ऑल्सो फॉर्मिडेबल एंड रेजिस्टेंस एडवाइजरी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंसोमोनास एरगूनिस Uh, तो यहां पर एक आपका पैथोजन है है जिसका नाम क्या सुडोमोनास ठीक है ये बहुत हाईली ये एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस आपका पैथोजन है मतलब कि बहुत ही हाईली मतलब कि इसमें कोई भी आप एंटीबायोटिक्स लें कोई भी मेडिसिन का इसके ऊपर कोई भी असर होता ही नहीं था तो ये जो पर्सन था वो इस uh, पैथोजन से डील कर रहा था जिसके कारण उसमें उसको जो उसका लंग्स था वो डिटोरेट हो रहा था उसको बहुत सारा इन्फेक्शन हो रहा था बट यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एक एंटीबायोटिक निकल कर आता है इंडियन इनोवेशन के थ्रू जिसको हम कहते हैं सेफे और या फिर आप कह सकते हैं जाइड बैक्टम ठीक है तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है इंडियन रिसर्च ये एंटीबायोटिक्स को जब हमने दिया तो इसने क्या किया जो आपका पैथोजन था इसने इसने इससे बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट किया तो इसमें आपके लिए सब दो चीजें आ जाती हैं कौन कौन सी चीज एक तो आपका ये पैथोजन आपका आ गया दूसरा यहाँ पर क्या है इसका भी थर्ड ट्रायल इसका जो थर्ड फेज ऑफ ट्रायल है वो यहाँ पर चल रहा फेज थ्री का ट्रायल अब फर्दर देखते हैं कि क्या जो हमारे डॉक्टर्स है मतलब ये एक इनोवेशन आपके सामने आई है क्योंकि इससे पहले एक ही एंटीबायोटिक है जो यहाँ पर आपका जापान में बना हुआ है इसको हम कहते हैं क्या सेप्ट सेफे डेरकोल सेफी डेक्रोल इसको लाइसेंस किया गया है कि इसको सेवरल कंट्रीज ने लाइसेंस भी किया है जापानीज कंपनीज के द्वारा इसको बनाया गया है जो कि आपका एक इफेक्टिव है ड्रग रेजिस्टेंस के लिए बट इसके, इसके आप सभी को पता सिर्फ एक ही कंट्री में बनाया गया है तो उसका प्राइस भी कितना ज्यादा हाई होगा और इसकी जो मतलब की डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा हाई होगी इसलिए यहाँ पर अभी इंडिया में कौन सा बना है आपका आपको ये याद रखना है सेफे पाइन तो आपको ये नाम याद रखना है ठीक है तो इसके कारण क्या हो जब हमने उस पर्सन को ये जब ट्रायल इसका करवाया तो उसमें बहुत ज्यादा जो पर्सन था उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिलती है ओके okay? तो अब आप देख लेते हैं इस पैथोजन के बारे में जो तो सीडोमोनास ये क्या है आपका ये मेनली कहा पाया जाता है इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट फाउंड कॉमनली इन अन्वॉमेंट लाइक सोइल एंड वाटर आपका जो सॉइल और वाटर होता है इसमें कॉमनली आपको ये मिल जाएगा सीडोमोनास बैक्टीरिया ऑफ एन कॉस इन्फेक्शन इन ह्यूमन कॉल्ड सीडोमोनस एर्गोनोजा तो ये मेनली जो ह्यूमस होते हैं उसमें इन्फेक्शन को कॉज करता है जिसके कारण क्या होता है है, इसका नाम है, हम क्या रखते हैं सीडोमोनस एरग एर्ग्यूनोसा इसको हम रखते हैं ये क्या करता है कैन इन्फेक्ट एनी पार्ट ऑफ बॉडी सच एज ब्लड लंग्स स्टमक यूरनरी ट्रैक टेंड्रॉन्स तो ये क्या करता है हमारी बॉडी का कोई भी जो पार्ट है उसको यहाँ पर इन्फेक्ट कर सकता है जैसे कि आप ब्लड है उसको हमारे ब्लड को इन्फेक्ट कर सकता है लंग्स को स्टमक को हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है टेंड्रॉन्स है इन सबको क्या करता है ये इफेक्ट करता है ठीक है इसके कारण क्या होता है आपको बोन्स होता है बर्न्स होते हैं है, जैसे कि अगर आपको कहीं पर भी कोई खरोच लगी है या फिर आप कहीं पर जले हुए हैं तो वो उसमें और ज्यादा प्रेशर स्टोर करता है जिसके कारण वो और ज्यादा इन्फेक्टेड होकर आपके सामने आता है अब अगर इसमें भी भी आप लगा रहे हैं, रहे हैं, हैं, सारी चीजें यूज़ कर तो इसका कोई भी असर इस पर नहीं होता है एंटीबायोटिक ड्र, बनाया है, इसका यहाँ पर असर होता हुआ हमें नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है ओके तो आई होप आपको क्लियर होगा फ्रैकर्स ओवर फूड ट्रेंड्स अब आप सभी को यहाँ पर पता है जैसे कि हमने अभी वो फर्स्ट वाला आर्टिकल पढ़ा था ये आर्टिकल है कि जो हेल्थ uh, फिजिकल हेल्थ है स्टेट की वो धीरे धीरे उसे हमें क्या करना होगा व्यू करने की जरूरत है अब फिजिकल हेल्थ से ही बात करते हैं ये आपकी uh, कर्नाटका गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन है कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ डि, uh, डिसीजन लिए थे प्रोमिस किए थे कि जब उनकी ये गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो क्या करेंगे अन्य भाग्य स्कीम लेकर आएंगे जिसमें डायरेक्टली जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा जो फूड ग्रेन्स हैं उसका ट्रांसफर मतलब कि फ्री में उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा बट आप सभी को पता है यहाँ पे हाल ही फिलहाल में जो हमारा आ, हम देख रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो आपका फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया है एफसीआई उन्होंने क्या लगा दिया एक ओपन मार्केट आपकी स्कीम होती थी ओपन मार्केट यहाँ पर स्कीम थी जिसके थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती थी जो एफ फूड ऑफ इंडिया बिडिंग के थ्रू वीट एंड राइस को यहाँ पर सेल करती थी मतलब जो वीट और राइस होते food grains होते थे थे फूड उसमें बिडिंग होती थी तो जो वेरियस इंडिविजुअल्स होते थे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पर फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट करती थी ठीक है और फिर वही जो फूड ग्रेन्स होते स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी जो आपकी वेरियस यहाँ पर स्कीम्स होती थी उसके थ्रू यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड किया जाता था बट हाल ही फिलहाल में आपने क्या देखा कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये जो ओपन मार्केट स्कीम थी जहां पर बिडिंग वगैरह की जाती थी उस पर एक गैप लगा दिया कि एक पर्सन यहाँ पे एक स्टेट यहाँ पर टेन 10 से हंड्रेड मिलियन सॉरी मैट्रिक टन तक यहाँ पर क्या कर सकता है बिडिंग यहाँ पर कर सकता है और फूड ग्रेन्स को परचेस कर सकता है ओपन मार्केट से ओके okay? तो इसी के चलते अब क्या हो रहा है जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो प्रोमिस किया था कि हम आपको फ्री फूड ग्रेन्स देंगे ये सारी चीजें तो इसको यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है एक तरीके से इनका उनके पास इतना ज्यादा जो बीट और ग्रेन है उसका प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाएगा और प्रोक्योरमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा तो वो बेनिफिशरीज को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इसलिए उन्होंने अब कहा है कि हम इसके रिस्पेक्ट में इसके अल्टरनेट में लोगों को उनके जो बैंक अकाउंट है वहां पर पैसा वापस देंगे तो देखिए यहाँ पर आ, क्या हो रहा है जो हम गैप क्यों लगाया जा रहा है गैप इसलिए लगाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो आ, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो पूरा प्रेकमेंड कर लेते हैं जिसके कारण जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तो और ज्यादा लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ओपन मार्केट स्कीम है यहाँ पर एक गैप लगा रहे हैं कि आप इससे ज्यादा यहाँ पर फूड ग्रेन्स का प्रोक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि देखिए देयर इज नो क्राइसिस एज ऑफ नाउ नाउ फूड ग्रेन्स फंड बट द प्रेजेंट सिचुएशन शुड सिर्व लेसन टू ऑल पॉलिटिकल प्लेयर्स टू एक्सरसाइज मॉडरेट वाइल्ड मेकिंग इलेक्टोरल प्रोमिस तो यहाँ पर देखिए अभी फूड ग्रेन से लेकर कोई क्राइसिस नहीं है कि मतलब कि कोई क्राइसिस आ गया है कि आपको टोटल यहाँ पे फूड ग्रेन मतलब फूड ग्रेन नहीं मिल रहा है बट यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है क्या होता है इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े प्रोमिस कर देती हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बट यहाँ पर आपको पूरी सिचुएशन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन्हें पूरी सिचुएशन देखनी चाहिए कि कहाँ पर कैसी सारी सिचुएशन हो रही है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना चाहिए एक्शन लेना चाहिए और प्रॉमिस करने चाहिए ओके तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा तो आज इतने ही आर्टिकल्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ तो आज का हमारा क्वेश्चन था गादर

एसोसिएशन था था इंडियंस का इसका सैन में तो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सभी ने इसका आंसर किया होगा और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करना है सो दैट्स फॉर ऑल टुडे आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ओके वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है सो दैट्स फॉर ऑल टुडे थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन